ये पूर्णिमा इस देश के नहीं सारे विश्व की अंधार को दूर करने वाली पूर्णिमा, सारे विश्व को सुख शांति देने वाली पूर्णिमा, सारे विश्व से बुद्ध तो लुप्त ही हुए थे, फिर भी कुदरत ने या निसर्ग ने इस भारत भूमि को एक ऐसा वरदान दिया है कि जब भी कभी सम्यक संबुद्ध का जन्म होगा तो इसी जम्बूद्वीप में होगा, भारत भूमि में होगा। हम लोग आज भगवान बुद्ध की जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हम सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये लुप्त हुई विद्या बड़ी मेहनत से ढूंढ निकाली और 1956 को उसे स्वीकृत किया कि यही एक विद्या इस देश के सारे जितने भी दुखकारी प्रसंग है उसे सुलझा सकती है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा उपकार है, अनुरूणी है कि जिन्होंने इतना बड़ा महान अनमोल ऐसा काम किया है। महापुरुषों का काम साधारण नहीं होता है। उन्होंने सिंह गर्जना की थी कि सारे देश में भगवान बुद्ध की विद्या फैलेगी और सारा देश बुद्ध का अनुयायी बनेगा, दुखों से मुक्त होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में, 52-53 दिन में उनका निर्वाण हुआ, महान परिनिर्वाण हुआ। और जो बुद्ध की शिक्षा है वो हम लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाए, लेकिन महापुरुषों की जो गर्जना होती है वो बहुत बड़ा फल लेके आती है। 14 बरस के बाद पूज्य सत्यनारायण गोयनका गुरु जी ने भगवान बुद्ध की लुप्त हुई विद्या भारत में लाई और इगतपुरी में उसका विश्वविद्यापीठ की स्थापना की। हम सब लोग जानते हैं वहां पर ये भगवान बुद्ध की विद्या सिखाई जाती है और वो बिना मूल्य की सिखाई जाती है। पूरे विश्व में ऐसी एक ही विद्या है जो मूल्य बिना चलती है, अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि उसका मोल ही किया नहीं जा सकता है। हमने अभी
भगवान बुद्ध की मूवी देखी, उनका पूरा चरित्र देखा, उनकी जीवन की सारी बातें पिक्चर में हम लोग देखी। लेकिन जैसे बाकी के पिक्चर फिल्म हम देखते हैं, उसी तरह से ये भी फिल्म देख के हम लोग इस सभागृह से बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे जो आयोजक है मंडली, उनका बड़ा मैं उपकार मानता हूं। बाकी तो लोग मेरे पहचान के नहीं है, लेकिन हमारे बोरकड़े साहब है, तिरमारे साहब है, ये सारे लोग, हम लोग सब साथ में अभी पालिका स्टडी कर रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में हम लोग पालिका अभ्यास कर रहे हैं, तो इनको पता चला कि ये विपश्यना का अभ्यास करने वाला आदमी है, क्यों नहीं इससे दो बातें हमारे कैंपस के सारे लोगों को प्रेरणा मिलने के लिए इनको बुलाया जाए, तो उन्होंने ये प्रयास किया, मैं उनका आभार मानता हूं। जैसे पक्षी के दो जन्म होते हैं, एक जन्म होता है अंडे के रूप में और दूसरा जन्म होता है अंडे से बाहर आने के बाद, ऐसे ही मनुष्य प्राणी के भी दो जन्म होते हैं। माता पिता से जो जन्म होता है वो तो ये भौतिक संसार के लिए हम लोग जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई अच्छा गुरु मिलता है, उस गुरु से कोई सही सही विद्या मिलती है, जब चल के हम दुखों से मुक्त सुखी जीवन जीते हैं, तो सही मायने में हमारा दूसरा जन्म हुआ। विद्या एकदम सरल है, लेकिन लुप्त हुई विद्या नई नई सी लगती है, तो 10 दिन कहां से निकाले। हम अपने कामों में इतने बिजी हैं, व्यापार में इतने बिजी हैं, हम खुद के लिए 10 दिन कहां से निकालेंगे। तो सबसे पहली विनती तो यही रहेगी कि ये विद्या का जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, अपने 10 दिन अपने खुद के लिए खर्चे नहीं करेंगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अनुभूति के लिए 10 दिन का कोर्स करना बहुत ही जरूरी चीज है। यहां पर बैठे हुए बहुत से लोग विपश्यना का अभ्यास करने वाले हैं। मैं अपनी बात बताऊं, पुलिस ऑफिसर का नौकरी किया, लेकिन विपश्यना करने के बाद पुलिस शब्द का अर्थ समझ में आया कि पुलिस किसे कहते हैं, पुलिस की क्या ड्यूटी होती है और पुलिस कैसे काम कर सकता है। भगवान बुद्ध की विद्या जब तक हम लोग आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी काम सही काम हो नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने बुद्ध वचनों में सब कुछ बता दिया है कि हम हमारे घर में अपने कुटुंब के लिए कैसे सुख शांति प्रस्थापित कर सकते हैं, अपने बच्चे लोगों को अच्छा संस्कार कैसे दे सकते हैं, अपने मां बाप की कैसी सेवा कर सकते हैं, उनको जब मृत्यु का समय आता है अपने माता पिता को अच्छा मृत्यु पाने के लिए यह विद्या कैसी मदद करती है, सबके सब सवाल इस विद्या से लगभग पूरी तरह से सारी शंकाएं दूर हो सकती है। आज तो पश्चिम के लोग, भारत के भी कई नारियां महिलाएं प्रेग्नेंसी में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने के लिए विपश्यना कोर्स अटेंड करती है, विपश्यना कोर्स में चली जाती है,
बहुत सी महिलाएं